r and theta. So we will be having pi ko bhi 22 by 7 put kar do. 6 into 6 into 60 upon 360. Kitna aa raha hai? 132 by 7 centimeter square. 132 by 7 centimeter square. You can leave the answer in fraction form as well as decimal form, whatever is your wish. हाँ, MCQs में तो फिर आपको पता लग ही जाएगा. Now moving on to the second question. First question में we are given r, we are given theta, we are simply to use the formula of the area of the sector. Now moving on to the second question. Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. देखो, quadrant आपको पता है, we are dividing the circle into four equal parts. और एंगल कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि क्वाड्रेंट जब भी आ गया आपको तो थीटा आपको लेके चलना है 90 डिग्री. वो आपका थीटा 90 डिग्री गिवन नहीं होगा, क्वाड्रेंट वर्ड से दैट इज अंडरस्टूड दैट थीटा वी आर टू टेक एज 90 डिग्री. सो इट मींस थीटा इज 90 डिग्री. आफ्टर दैट रेडियस भी हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, वी आर गिवन द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. So 2 pi r is equal to 22 centimeter. R we are to find out. So r is equal to 22 upon 2 pi. Pi ko put kar doge 22 by 7. So your answer is 7 by 2. Radius aa gaya hamare paas 7 by 2 centimeter. Now we are to find the area of the quadrant. Kya formula hota hai area of quadrant? Kya formula loge? 1/4 ऑफ अ सर्कल, या तो आप डायरेक्ट वो लगा लो, अदरवाइज ये भी करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग. पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360. 90 और 360 को कैंसिल आउट करोगे तो यू विल बी हैविंग पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. तो चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो 1/4 ऑफ अ एरिया ऑफ अ सर्कल, या फिर आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से भी करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम थिंग. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर एज 7 बाय 2, पाई एज 22 बाय 7, और 4 आपका एज इट इज आ जाएगा. कैंसिलेशन कर दो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज 77 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट एरिया की है तो स्क्वायर यूनिट्स में यू विल गिव द आंसर 77 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखना, ये असर हो गया उनका है. You can come forward. You are having the option. You can come here. Now is it visible? Clear? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज. ओके फाइन, देन वी विल डू दीज क्वेश्चन टुमारो एज द बेल हैज गॉन. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो. I will upload it on the YouTube and you can clear your doubts from there, and then you can ask your doubts tomorrow if still these will be existing. Just